क्या आप जानते हैं फायर पंप जो लगा हुआ होता है हमारी बिल्डिंग्स में वो किस प्रकार का होता है, किस टाइप का होता है और उसमें कितने इम्पेलर होते हैं, या उसमें जो बेयरिंग्स लगे रहते हैं वो कैसे होते हैं, और जो उसमें सील होती है वाटर सील, मैकेनिकल सील किस टाइप की होती है, आज मैं उसी सभी के लिए बात करने वाला हूँ और मैं आज आपको वही सब ओपन करके प्रॉपरली दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखते रहिए, आज आप सब ये जान जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप सभी को मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, हम जो ये पंप देख रहे हैं ये CRI मेक है, SCW सीरीज का, ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट केस पंप है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये इसका ऊपर वाला टॉप हाफ केसिंग है, ये दोनों बियरिंग असेंबली हैं जिनमें बियरिंग लगे होते हैं, बाल बियरिंग होते हैं इनमें, और डीप ग्रुप टाइप के ये जो बिलिंग कर रहा है ये सील असेंबली है। अब हम देखेंगे इसका जो ये नीचे आप देख रहे हो सील की जगह लीकेज दिखाई दे रही है, पानी का लीकेज है। बैक साइड में भी आप देख सकते हैं यहाँ पानी का लीकेज है, दैट मीन्स इसकी दोनों सीलें लीक कर रही हैं, तो हमें ये सील चेंज करनी है। और इसमें मैकेनिकल टाइप की सील होती है। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं ये एयर वेंट लगा हुआ है, ये इंजन साइड की असेंबली है फ्रेंड, जहाँ से इंजन से ये डायरेक्ट कपलिंग के द्वारा जुड़ा रहता है, ये शाफ्ट के द्वारा जुड़ा रहता है। फ्रेंड्स, ये इसके नट बोल्ट हैं, जो टॉप हाफ केसिंग है उसके बोल्ट जो इससे टाइट रहता है, हम इन सब को लूज करेंगे, खोलेंगे और इस टॉप हाफ केसिंग को अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये दोनों आप जो देख रहे हैं ये दोनों इम्पेलर हैं, इन और आउट दो इम्पेलर हैं इसमें, और ये जो आप देख रहे हैं ये दोनों सील लगी हुई हैं, दोनों साइड की सील हैं ये, और ये सीलें घिस चुकी हैं, ये हमें चेंज करनी है। अब आप पास से देखिए ये ख़राब हो गई, इसके ओरिंग कट गए हैं, ये दो पार्ट में होती हैं, एक फिक्स और एक रोटेटिंग, तो ये भी ये दूसरी साइड की है जो ख़राब हो गई। अब हम देखते हैं ये जो नीचे वाला हाउसिंग है ये, इसमें आप कैस्केट देख रहे हो जो हमारी नीचे लगाई हुई है, हाफ लगाई हुई हम दूसरी भी लगा रहे हैं, और ये आप जो देख रहे हैं इसमें ये फर्स्ट जिसमें इन इम्पेलर रहता है वो हाउसिंग है, और जो दूसरी वाली आप देख रहे हैं ये आउट, यानी दो इम्पेलर होते हैं, ये आउट वाला इम्पेलर इसमें चलता है। फ्रेंड्स, इसमें ये आप देखिए रोटेटिंग असेंबली है जो हमने फिक्स हमारे जो चेंज होकर के आ गई है, ये दोनों सील हैं जो सील चेंज होकर के आई हुई हैं, ये वो रोटेटिंग असेंबली है, और ये देखिए दोनों बियरिंग चेंज होकर आए हैं, इसमें डीप ग्रूव टाइप के बाल बियरिंग है, दोनों चेंज हो गए हैं हमारे पास, और ये वो रहती है जिसमें सील का फिक्स्ड पार्ट टाइट रहता है, इसको फिक्स्ड कैस्केट बोलते हैं। ये अब मैं पास से दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरीके से साफ सुथरी बिल्कुल अच्छी सील है, सिंगल स्प्रिंग टाइप की सील है, इसको सील को सिंगल स्प्रिंग मैकेनिकल सील बोलते हैं, और ये लीक प्रूफ में दोनों सील दोनों साइड में लग चुकी हैं। अब हमने इस रोटेटिंग पार्ट को ऊपर रख लिया है, यानी हम इसको फिक्स कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये हम प्रॉपर रख चुके हैं। आप देखिए मैं इसको घुमा के आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके से घूमता है ये, और ये देखिए बिल्कुल बीच में सेपरेट है और दोनों ही इम्पेलर अलग अलग रहते हैं पानी में दोनों। ये मैकेनिकल सील का रोटेटिंग पार्ट है जो इसमें घूम रहा है, और जो ब्लैक में आप देख रहे हैं ये जाम हो जाएगा, ये इससे टाइट हो जाएगा बाद। आइए फ्रेंड्स, अब हम इसकी टॉप हाफ केसिंग ऊपर वाली फिक्स कर देते हैं। देखिए इस तरीके से ये टाइट हो चुकी है अभी, और ये ऊपर आपको एयर वेंट पाइप दिखाई दे रहा है जिसमें हम एयर निकाल देते हैं पंप की। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।